पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डी गुकेश को, प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से। और मैन ऑफ द ईयर पूछे तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, इनको सम्मानित किया गया इससे। इनको क्यों किया गया है? क्योंकि तमिलनाडु में हुआ था शतरंज ओलंपियाड और इसको अच्छे से इन्होंने करवाया था, इसके लिए इनको दिया गया। शतरंज ओलंपियाड की बात करेंगे तो इस बार ये 44th नंबर का था। कहाँ पर हुआ? तो चेन्नई में इसका आयोजन हुआ। शुभंकर इसका यानी मैस्कॉट क्या था? तो वो था थम्बी। और इसमें टॉप पे कौन रहा था? उज्बेकिस्तान। बात आइए शतरंज की, तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर अगर पूछा जाए कौन थे तो ये थे विश्वनाथन आनंद, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। और इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम है माइंड मास्टर। और 1991-92 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी पहली बार सम्मानित किया गया था। और अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और अगर ये पूछा जाए कि 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला, तो मिला अचंता शरत कमल को मिला। इसको ध्यान रखें क्योंकि अभी ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था कि 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला, अचंता शरत कमल को मिला। ये टेबल टेनिस खेलते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो ये थी एस विजय लक्ष्मी। और अभी हाल ही में फिडे का वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया विश्वनाथन आनंद को ही बनाया गया था। और अगर ये पूछा जाए कि चेस डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 20 जुलाई को हम लोग चेस डे सेलिब्रेट करते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि चेस बोर्ड जो होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होते हैं, तो 204 होते हैं। और भारत में पहली चेस एकेडमी कहाँ खुलेगी, तो ये खुलेगी भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। हाल ही में सैन्य मैत्री अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ, तो भारत और जापान के। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को किस शहर में शुरू किया गया, तो यह श्रीनगर से शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। और कौन सा देश गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया। और किस राज्य में पहली बार महिला विधायक चुनी गई हैं, तो नागालैंड। इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, तो भारत रहा शीर्ष पे। सेकंड पे कौन रहा? यूक्रेन। और हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, अरुणाचल प्रदेश। गुजरात के नए डीजीपी कौन बने, विकास सहाय। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 1 मार्च को। और दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना है, स्विसकॉम स्विट्जरलैंड का। सेकंड पर रहा है भारत का रिलायंस जियो। और हाल ही में बाल एवं शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। हाल ही में बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ असम में। ये कब तक चलेगा, और ये पहली बार हुआ है असम में, और ये कब तक चलेगा, तो ये चलेगा आपका 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। बात आई है असम की, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में वो हैं हेमंत बिश्वा शर्मा यहाँ के हैं सीएम। गवर्नर की बात करेंगे तो अभी बने थे हाल ही में, नाम था उनका गुलाब चंद कटारिया इनका नाम था। और असम की अगर राजधानी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा दिसपुर। क्या हो जाएगा? दिसपुर। और यहाँ का इम्पॉर्टेंट जो लोक नृत्य है उसका नाम क्या है, तो वो है बिहू, ठीक है। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि वायरलेस फोन से लैस होना, भारत का ये पहला नेशनल पार्क है। आपको यहीं पर मिलेगा मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। भारत का पूछा जाए सबसे नवीनतम यानी नया नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये देहिंग पटकाई ही है। और हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया, 3 मार्च को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, भोपाल में द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया, भारत की राष्ट्रपति हैं। हाल ही में भारत में
किस रोग के उपचार के लिए डीएनए वैक्सीन विकसित किया गया है? तो डेंगू की। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ पे खोजा गया है? उड़ीसा के जाजपुर में। हाल ही में ओ वान थाउंग कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के। और हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को। हाल ही में किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है सचिन तेंदुलकर को। किसने इसकी घोषणा की है? तो सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने इसकी घोषणा की है। बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी जो बुक है उसका नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। और भी हाल ही में कुछ ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो पेप्सिको का किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया रणबीर सिंह को। रणबीर सिंह पेप्सिको यानी पेप्सी के बने हैं। हर्बालाइफ के कौन बने हैं? तो ये बनी है स्मृति मंधाना, ये क्रिकेटर हैं। और यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। प्यूमा इंडिया के कौन बनी है ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में? हरमनप्रीत कौर बनी है, ये भी क्रिकेटर है। और चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया? तो ये एक्टर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है, पंकज त्रिपाठी। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन करने की घोषणा की है? तो ऐसा किया है भारत ने। यहाँ पर जो कैट की बात आई है तो कैट की कौन कौन सी प्रजाति इसमें होगी देख लेते हैं। एक लायन, प्यूमा, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जगुआर, टाइगर, चीता। तो यहाँ पर कैट की ये 6 प्रजातियाँ हैं जिसको इनमें शामिल किया गया है। और कुछ लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि चीता, टाइगर को चीता बोलते हैं, तो टाइगर को बाघ बोलते हैं हम लोग। चीता अपने आप में खुद ही एक इंग्लिश का वर्ड है, तो चीता मतलब चीता ही होता है। इसमें से भारत में कौन से नहीं पाए जाते हैं? तो एक पूमा और दूसरा जगुआर, ये दोनों भारत में नहीं पाए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखें। और ये सारे जो भी जानवर हैं इन सब में डिफरेंस क्या होता है? तो बेसिकली इनके ऊपर जो स्ट्रिप बना होता है, मतलब धारियाँ बनी होती हैं, उन्हीं का डिफरेंस होता है। अलग अलग पे अलग अलग तरीके का बना होता है। हाल ही में किस स्वदेशी पोत पर भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो INS विक्रांत पर। हाल ही में 76वां संतोष ट्रॉफी किसने जीत लिया है? कर्नाटका ने जीत लिया है। और हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो इंडिया के द्वारा। और हाल ही में दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र के विदर्भ में। और हाल ही में जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो अपने देश भारत ने जीत लिया है। सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? कर्नाटका से। और हाल ही में किस प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज बना है? तो मध्य प्रदेश का। और हाल ही में भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो SS दुबे बने हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने। हाल ही में पोर्टर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया हेल्थ मिनिस्ट्री को। हाल ही में नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 मार्च को। 8 मार्च को हमने और क्या सेलिब्रेट किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी हमने 8 मार्च को ही सेलिब्रेट किया। और इस बार जो नो स्मोकिंग डे है इसका थीम क्या रहा है? इसका थीम रहा है स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। तो ये रहा इस बार का इसका थीम रहा है। और भी हम लोगों ने मार्च महीने में कुछ इम्पॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए हैं, उसको भी देख लेते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस वाइल्ड लाइफ डे ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 4 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया गया 8 मार्च को। तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में एशियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में।
ये इस बार जो एडिशन है किस कौन सा एडिशन है, तो ये पांचवा एडिशन है इस बार। बात आई है एशियान की, फुल फॉर्म इसका हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना इसका होता है 1967 में, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका जकार्ता में। इसमें टोटल 10 मेंबर कंट्रियाँ हैं और 11वां देश इसमें जो जुड़ने वाला है उसका नाम है तिमोर लिस्टे। ये देश 11वां इसमें ऐड होने वाला है। जो 10 देश हैं पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और बुर्नूल डोरूसलम। ये 10 कंट्री इसमें पहले से शामिल है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत इसका मेंबर नहीं है, एशियान का मेंबर भारत नहीं है। हाल ही में UNEP ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है, तमिलनाडु के साथ। हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया, 7 मार्च को मनाया गया। और हाल ही में राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया, गोवा में। और हाल ही में किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है, सचिन तेंदुलकर को। किसने घोषणा किया है, तो सेवलॉन कंपनी ने। हाल ही में 2022 BBC इंडियन स्पोर्ट महिला ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है मीराबाई चानू ने। ये मणिपुर की रहने वाली हैं और एक वेट लिफ्टर भी हैं। और हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में कमांड कम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर कौन बनी है, तो ये बनी है कैप्टन शैलजा धामी। हाल ही में किसानों के लिए नैनो DAP उर्वरक को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा। ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं। हाल ही में अटुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया गया, ये मनाया गया केरल में। और अगर ये पूछा जाए कि पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है, उत्तराखंड। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं डॉक्टर मानिक शाह। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, 8 मार्च को। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, 4 मार्च को।